इस हफ्ते जिनके स्कोर्स सबसे लो होंगे वो सारे हसलर्स आज डेंजर जोन में हैं। सो लेट्स टेक अ लुक एट द लोएस्ट परफॉर्मिंग हसलर्स। पोएट शेफ को मिले हैं 3 स्पीकर बम्प, केडन को मिले हैं 5 स्पीकर बम्प्स, प्रिंस को मिले हैं 5 स्पीकर बम्प्स और शैन बी को मिले हैं 6 स्पीकर बम्प्स। I kindly request you all to come on stage for ground shunya, bottom 4. ऑडियंस की वोट्स के हिसाब से इन चारों में से जो सेफ है वो है केडन। डीनो, क्योंकि आप बने हो स्क्वाड ऑफ द वीक, आपके पास स्पेशल पावर है टू चूज, आप इन तीनों में से किसको सेव करना चाहेंगे? भाई तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा दमदार है, हम सब जानते हैं। मैं जिनको सेव करना चाहता हूँ उसका कारण दरअसल ये है कि एक ऐसा फ्री स्टाइल और एक बार और ऐसा बार परफॉर्म किया जो हसल के हिस्ट्री में कभी पहले नहीं हुआ। सो आई वॉन्ट टू सेव पोएट शेफ। ओके, इस सीजन में आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक ही स्क्वाड से दो लोग ग्राउंड शून्य में हैं, शैन बी और प्रिंस। लेट्स बिगिन ग्राउंड शून्य। जिगर में है जबर, ये तबाही है टबर, मार उठाने पे मैं शॉट कोई छोड़ू ना कसर, जब टूटे ये सबर फील कर मर्डर, फेरी बन जे खबर खोदे अपनी कबर कर, जिन्हें भी वर्थ तेरा करियर स्थाई, तेरा ग्राफ ही ओरिजिन ना कोई एक्स ना वाई, वैसे मैं वेज हूँ भाई इसी में तेरी भलाई, रैप में जो बीफ करे बन जाऊं कैसाई। बहुत सही प्रिंस, एक्सप्लोसिव, बहुत सही। झुका दू नजरें ये सर नहीं, किसी तंज का अब असर नहीं, गुमनाम हूँ या उधर बदर, मैं खुद से तो बेखबर नहीं, मैं खुद का ही हम सफर सही, तू खुद में क्यों बेसबर सही, जिस बिस्तर में तू लेटा शान से ध्यान दे कहीं कबर नहीं, जैसे मैं तोड़ू तूफानों में जैसे गुनाहों के नपे समंदरों, हाथ में गैरों के दोनों मिलाता न जाने के साथ में खंजरों, पीछे के बंदरों ऐले सिकंदरों, गिरते हैं सारे जो दिल से ही डंगरों, बातें ही बंजरों। ये अब तक का सबसे टफेस्ट ग्राउंड शून्य है। जो कोई भी जीत रहा है बहुत ही कम गैप से जीत रहा है। प्रिंस, दिस हैज टू बी योर बेस्ट परफॉर्मेंस इन द होल सीजन। एग्रेशन था, पंच लाइन्स थी। शैन बी, ये आपका पूरे सीजन में बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं था, बट जिसको कहते हैं ना बैटल में यू हैव टू गो फॉर द थ्रोट ऑफ योर ओपोनेंट, गले पे वार। ओ गॉड, दिस इज सो टफ। लेवल अप था शैन बी, आई थिंक यू रियली लेवल्ड अप विद दिस वन। द विनर ऑफ दिस बैटल इज यू शैन बी। प्रिंस, 1921 का फर्क था, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, बिकॉज मेरे लिए आई थिंक बोथ ऑफ यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एक्सट्रीमली वैल्यूएबल टू हसल शून्य 3 रिप्रेजेंट। जैसे मैं बोलता हूँ, हसल बाहर जारी रहेगी सर।